हेलो गाइस, अगेन जो टॉपिक है हमारा जो एनी फ्रैंक जो करेक्टर है नेक्स्ट आपके जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसी में से लिया गया है। काफ़ी 3-4 क्वेश्चन में करवा सको, इनसे बाहर आपकी 10th क्लास में इनसे बाहर क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट लीजिएगा तो राइट द करेक्टर स्केच ऑफ द एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक कैसा स्वभाव था उसका, कैसी लड़की थी, वो क्वेश्चन है। बिल्कुल वेरी सिंपल वे में है, ऐसी कोई भी आपको वर्ड नहीं मिलेगा जिसका आपको स्पेलिंग का भी पता ना। बिल्कुल सिंपल वे में देखिएगा। फर्स्ट जो स्टार्टिंग है हमारे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एनी फ्रैंक वाज इंटेलिजेंट, बिल्कुल आसानी है बातें आप लिख सकते हो। इंटेलिजेंट गर्ल, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। सी वाज वेरी सेंसिटिव गर्ल है। सी हैड मैनी फ्रेंड, उसके बहुत से मित्र होते हैं, बट सी हैड नॉट क्लोज, उसका कोई क्लोज मित्र नहीं था, यानी कि सो इसलिए सी फेल्ट वह महसूस करती है लोनली। इसलिए वह कैसा महसूस करती है, अकेलापन महसूस करती है। एंड देन सी हैड एन आइडिया, उसके दिमाग में वह देन इसके से वह एक आइडिया लेती है। सी फेल्ट वह महसूस करती है कि पेपर हैज मोर पैशंस, पेपर में अधिक धैर्य होता है बजाय किसके, आदमी के। आदमी तो उसमें तो धैर्य होता ही नहीं, रियल में नहीं होता धैर्य आदमी। जो पैशंस एक पेपर है, जैसे एक पेपर है वो आपको कभी धोखा नहीं दे रहा, आपने तो राइट कर रखा है, लेकिन बंदा आपको धोखा दे सकता कभी। नोट करना इस बात। सो सी थॉट, इसलिए वह सोचती है ऑफ कीपिंग, रखती है एक डायरी, लिखना सकती है। सी की वह देती है इट्स द नेम, उसको अपना क्या नाम देती, किटी। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किटी है और जो उसका टीचर है उसका नाम सिंह है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सी रोट अबाउट हर डे एट स्कूल, वी नो फ्रॉम हर राइटिंग दैट सी वाज अ स्वीट एंड इंटेलिजेंट चाइल्ड। भाई क्या करती है सी, वह रोट लिखती है अबाउट हर डे एट स्कूल, स्कूल के दिनों में डायरियाँ लिखती है। और भी हम जानते हैं फ्रॉम हर राइटिंग, उसकी जो राइटिंग थी, एंड दैट सी वॉज एंड स्वीट एंड इंटेलिजेंट चाइल्ड थी। उसको बाद में वही चीज़ आप लिख सकते हो, सी वॉज वेरी सेंसिटिव है इंटेलिजेंट एंड एनी थिंग इंटेलिजेंट चाइल्ड। एन ए लव हर फैमिली वेरी मच, अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। सी वॉज वेरी क्लोज टू हर ग्रांड मदर, अपने दादी जी के पास ज़्यादा रहती है। एंड हर मैथ टीचर वॉज अनोइड विद हर, अनोइड करता उसको उसके जो मैथ का टीचर, ही क्यों देता वो एक्स्ट्रा वर्क देता है, पनिशमेंट है, जो नहीं कर सकते हो आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में इन दिस एंड में क्या होता है, सी दैट द टीचर अलाउड हर टॉक इन क्लास, क्योंकि सी वॉज वेरी टॉक्टिव गर्ल का मतलब बहुत बहादुरी थी। एंड सो इसलिए इज हर टीचर गिवन का मतलब देता है उसको पनिशमेंट, यानी कि पनिशमेंट एक्स्ट्रा वर्क देता है जो मिस्टर कैसे है, ऐसे उसको सजा देता है इसके बारे में। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि फिर लेकिन वो क्या सोचती है, अंत में एक डायरी लिखना सोचती है और डायरी का नाम उसने किटी रखा है। वेरी सिंपल वे में है, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है क्वेश्चन के अंदर जो आपको समझ में आए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आप जो वीडियो है उसको 480 के ऊपर देखना और उसमें से अपने नोटबुक में इसमें से ये क्वेश्चन वैसा का वैसा उतारना, एक बार वीडियो सुनना और दोबारा अपने आप क्वेश्चन लिख के देना, आपके 4 नंबर कभी नहीं मिल पाएंगे बोर्ड में। 3-4 क्वेश्चन हो चुके हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा जो मेरी वीडियो में है। और नेक्स्ट अगला जो टॉपिक आपका जो 2 पोइम के रहते हैं, मैंने डस्ट ऑफ सनो जो पोइम डाल दिए पहले इस चैनल में और अमाडा की डाल दिए, एक पोइम और रहती है वो आपकी और डाल देंगे। अगेन वीडियो आएगी आपकी और लिसन, संडे को फिर हमारा ऑनलाइन क्लासेस आएगी। तो प्लीज़ पहली जो हमारी क्लास थी उसमें थोड़ा सा इशू हो गया, आवाज़ वगैरह नहीं आई, काफ़ी कमेंट या वगैरह काफ़ी फोन भी आए मेरे पास। तो हम नेक्स्ट जो हमारा संडे होगा उसमें हमारी ऑनलाइन क्लास आएगी, प्लीज़ सभी जुड़ना उसमें और लाइक हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना सेम स्टडी पॉइंट।